हेलो स्टूडेंट्स एंड माय नेम इज़ लवप्रीत एंड आई एम अगेन विद यू पीपल फॉर द लेक्चर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और इसमें हमने जो लेक्चर नंबर 7 है मॉड्यूल 1, और उसमें हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द ह्यूमन एस्पिरेशंस। और इसमें हमने क्या चैप्टर कवर करना है, मेथड्स टू फुलफिल दी ह्यूमन एस्पिरेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल्स। सबसे पहले नंबर पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। जिस एस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि क्या है। एस्पिरेशन मीन्स डिजायर टू अचीव समथिंग हाई और ग्रेट, कि अपनी ऊंची जगह पर पहुंचना, एक मंजिल पर पहुंचना और उस मंजिल को अचीव करना। कैसे अचीव करना, उसके अंदर एक इच्छा होनी, उसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। और ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? ह्यूमन एस्पिरेशन हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहले नंबर पे हम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरे नंबर पे हम करते हैं सोसाइटी के लेवल पे। हैप्पीनेस इज हार्मनी एंड इंटीग्रेशन अमंग ऑल फोर डिमेंशंस विद इन द सेल्फ, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारी एस्पिरेशन क्या है कि हैप्पीनेस होना और सभी के साथ इंटीग्रेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना हमारे थॉट पे, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे काम और क्या हम रियलाइज कर रहे हैं, इन सभी का तालमेल अच्छे से होना। और हम सोसाइटी लेवल पे क्या इंस्पिरेशन है, वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एस्पायर टू एश्योर हारमोनी एंड इंटीग्रेशन अमंग फोर लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। इंस्पिरेशन मीन्स कि इंस्पायर करना, कौन सी चीजें आपको इंस्पायर करती हैं कि आपका किसी मंजिल के ऊपर पहुंचना है, आपने किस रास्ते पे जाना है, वो चीजें आपको एक इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं और वही एक डिजायर बनती है। सोसाइटी लेवल पे हमारी एक व्यक्ति की ह्यूमन इंस्पिरेशन क्या है कि वो अगर अपने परिवार के साथ, अपने साथ वालों के साथ और अपने थॉट, बिहेवियर और इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके साथ अगर उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसके साथ अगर मिलजुल के काम करता है और उसकी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, वो एक ह्यूमन एस्पिरेशन रहेगी इंडिविजुअल लेवल पे। और हर किसी की एस्पिरेशन होती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि वो व्यक्ति अपनी थॉट, बिहेवियर, वर्क और रियलाइजेशन सभी एक जैसे हो। और उसके बाद में हम फिर अपनी एस्पिरेशन जो सोसाइटी लेवल पे हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक कंसिडरेशन मिले और उसे समाज में अच्छी सिटीजन होने के नाते देखा जाए। और अगर वो अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा कोऑर्डिनेटर है अपनी सोसाइटी के साथ, अपने घर वालों के साथ, ऑब्वियसली है कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उठ के सोसाइटी लेवल, फैमिली लेवल और नेचर के ऊपर एक हारमोनी लेकर के आने का प्रयत्न करेगा। हम ह्यूमन एस्पिरेशन को दो तरह से पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल के ऊपर से देखते हैं। मेथड्स टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशन। ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने के क्या मेथड्स हैं, ये हमारा एक टॉपिक है। सबसे पहले लिस्ट ऑफ वांट्स, हमें क्या चाहिए, इसी से ही हम अपनी एस्पिरेशंस के फाइंड आउट कर सकते हैं। द नीड ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, लिविंग विद रॉन्ग अजम्पशन कि भाई हमारे मन में क्या गलत चल रहा है कि हम रॉन्ग एक परसेप्शंस और एस्पिरेशंस और अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं, सॉरी एस्पिरेशंस नहीं, अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं कि हमारी अज्यूम, हमने गलत मान लिया किसी चीज को। आर स्टेट टुडे, हम किस दिशा में है, हमारी प्रेजेंट स्टेज क्या है, हम कैसे इस टाइम पे चल रहे हैं। लेवल्स ऑफ आर लिविंग, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है।
रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है। ह्यूमंस एंड एनिमल के प्रति प्यार और दूसरों को अपना मानना और दूसरे की होंद को अपनी होंद समझना, ये हमें बेसिक मेथड्स है जिसके ज़रिए हम अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लिखना है, सोचना है और समझना है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दी फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन, सबसे पहले नंबर पे ये कहाँ से ह्यूमन एस्पिरेशन डेवलप होती है, ये होती है राइट अंडरस्टैंडिंग से। इट इज नीडेड इन माई सेल्फ, आई नीड टू स्टडी माई सेल्फ द ह्यूमन बींग द एंटायर एग्जिस्टेंस विच आई एम अ पार्ट, कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ और मेरे आसपास में पड़ी हुई चीज़ें क्या है और उसके साथ मेरा इंटीग्रल रिलेशनशिप क्या है, सभी की एक राइट अंडरस्टैंडिंग होना। उसके बाद अगली आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर हमारा अच्छा है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम अच्छे से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। वी आर इन रिलेशनशिप विद पीपल एंड अदर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद रिलेशनशिप म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, जब हम हैप्पी है तो इससे हमारे पास एक प्रॉस्पेरिटी का कंसेप्ट आता है और हम प्रॉस्पेरस भी साथ में हैं। द थिंग्स वी यूज कम फ्रॉम वेयर वी कॉल एज ए नेचर। लिस्ट ऑफ वॉन्ट्स, हमारी जरूरतें क्या है, हमारी क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता है, हम क्या मांगते हैं, ये हम हर किसी के पास, एक व्यक्ति के पास ये चीज़ें कॉमन होती हैं अगर हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम करें। बिग कार हो, हैप्पीनेस हो, बड़ा घर होना चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मनी चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, डू सोशल वर्क, मैं किसी के काम आ सकूं, सेटिस्फैक्शन चाहिए और बी लव्ड, टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, ए गुड लैपटॉप, नॉट गेट एंग्री, नॉलेज, बिकम अ पॉलिटिशियन, हैव अ ग्रेट फूड, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड गिटार जिसमें अंडरस्टैंडिंग दी पर्पस ऑफ लाइफ, बी हेल्दी, प्रोटेक्ट दी नेचर। ये सभी इतनी लंबी लिस्ट है हमारी वॉन्ट्स की कि हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको अचीव करने की। ये कैसे होगी, ये ह्यूमन एस्पिरेशंस का पार्ट है। मान लो कि आपके पास ये है, आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना, सोचना कि आपने इन चीज़ों तक कैसे पहुँचना, यही एक ह्यूमन एस्पिरेशंस का पार्ट है कि हमने इन चीज़ों के बारे में सोचना, हम कहाँ तक पहुँचें, क्या क्या काम करें, किस रास्ते से जाएं ताकि हम इन चीज़ों को अचीव कर लें लाइफ टाइम के लिए। और ये कैसे होगा कि अगर हम सभी के साथ चल के काम करें, और हो सकता है कि हम किसी को ये चीज़ें लेने के लिए दुखी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोच मन में रख के कभी भी इन चीज़ों को फुलफिलनेस के लिए काम नहीं करना, क्योंकि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का ये पिछली स्लाइड में कंसेप्ट है, रिलेशनशिप का, ये चीज़ ख़राब होती है। इसमें म्यूचुअल हैप्पीनेस भी नहीं आएगी और ना ही म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर हम किसी गलत चीज़ों को गलत तरीके से लेकर के आते हैं, क्योंकि वास्तव में वो चीज़ें सही हैं, लेकिन वो अगर हम एक और दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज़ें गलत में परिवर्तन हो जाती है। अगर हमने रिश्वत लेकर के अपना बहुत बड़ा घर बनाया है तो इससे हमें कभी भी म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी और ना ही कभी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कभी भी अपने मन से पूछ करके देखना। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हारमोनी एट वेरियस लेवल्स। हम जिस मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाए, लेकिन हमारे अंदर हारमोनी का कंसेप्ट हमेशा के लिए रहना चाहिए, अपना कहनी और कथनी सेम होनी चाहिए। एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर अब्लिक एग्जिस्टेंस। हमने चार पॉइंट्स के ऊपर हमारी हारमोनी होनी चाहिए और इसको हमने समझना है। एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हेल्प टू डिवेल्प ए सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। वही मैंने जो पिछले लेक्चर्स में बात की है कि अपने बारे में जानना, वो कैसे होगा। सबसे पहले नंबर पे हमारी क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है,
और उसके बाद में हमारी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या, जो मैंने एक ग्राफ में इन्फॉर्म किया था कि अगर आपको कोई प्रपोजल देता है आपने उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना और कैसे उस चीज़ के ऊपर फॉलो करना, हमने खुद का काम करना है। ये हम तब भी हो सकता है कि अगर हमने अपने ऊपर सोचने का कभी काम किया हो। द राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, क्लैरिटी हेल्प्स मी टू डिवेलप द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर हमने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर हमने अच्छी क्लैरिटी से उस चीज़ को समझा, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आएगी। एट द लेवल ऑफ फैमिली, हमें अपने रिश्ते नातों को बरकरार रखते हुए, उनकी फीलिंग्स को बरकरार रखते हुए अपनी फैमिली को आगे लेकर के जाना है। और इसी प्रकार हमने एक हारमोनी डेवलप करनी है अपनी फैमिली में। वो कैसे कि आफ्टर मैरिज हमारा सिस्टम और होता है, बिफोर मैरिज हमारा सिस्टम और होता है। वो कैसे होता है कि बीइंग अ फीमेल उनको किसी दूसरे घर पे जाना है और बीइंग अ मेल उनके घर पे किसी ने आना है। और बीइंग अ फीमेल, अगर आपको नए घर में जाना है उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर फैमिली। वो इसीलिए होगा कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को बेटर वे से। और अगर बीइंग अ पर्सन है तो उसकी भी क्या एक पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आफ्टर मैरिज, वो भी क्या है कि उन्होंने अपने माता पिता और अन्य सदस्यों की फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना। और इसी प्रकार ही जब हम सभी को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी फैमिली में हारमोनी आती है। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, हम सभी लोग एक अच्छा सोसाइटी में अपना करेक्टर और एक अच्छा पिक्चर लेकर के आना चाहते हैं कि सभी हमारे बारे में सोचें और बात करें। और आर फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और अगर हम अच्छा काम करना अपने परिवार से शुरू करते हैं तो हम ऑब्वियसली एक सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, आर फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड ए सोसाइटी। एज वी अंडरस्टैंड आर रिलेशनशिप विद अदर्स इन अ फैमिली, वी विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर्स इन द सोसाइटी कैन मेंटेन द फुलफिलिंग द रिलेशनशिप्स विद एवरीवन। अगर हमारे अपने सभी सदस्यों को रिलेशनशिप बिल्कुल बरकरार हैं तो हम इसी रिलेशनशिप्स के माध्यम से एक समाज में एक अच्छा छवि लेकर के जा सकते हैं। और एट द लेवल ऑफ नेचर एंड एग्जिस्टेंस, वी लिव इन ए लार्ज इकोसिस्टम कॉल्ड नेचर। और हम अगर किसी नेचर के कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, तो उसका रिजल्ट भी हमें कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे देखने के लिए मिलता है। ये नहीं है कि हम समाज के लिए भी अच्छे बने, लेकिन हम उस इकोसिस्टम के लिए भी अच्छे बने, एक चैरिटी बेसिस पे ऊपर काम करें, सो डैट कि हमारा नेचर और सोसाइटी बैलेंस में रहे। और इससे क्या होगा, हार्मोनी होगी। एंड एग्जिस्टेंस रेफर्स टू ऑल द थिंग्स डैट एग्जिस्ट इन नेचर। वंस वी लर्न टू मेंटेन हार्मोनी विद द सोसाइटी, वी ऑल्सो डिवेल्प ए फीलिंग ऑफ कंसर्न टूवर्ड्स द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा इन द नेचर। एंड हैंस द राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद द नेचर। कि सबसे पहले नंबर पे हमने खुद अच्छा बनना है, उसके बाद हमने फैमिली के साथ अच्छा रहना है, उसके बाद हमने सोसाइटी के साथ अच्छा रहना है, और उसके बाद हमने नेचर के साथ अच्छा रहना है। अगर हमारे पास सभी चीज़ों के एक अच्छे रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली हम हारमोनी को बरकरार रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक इंडिविजुअल के देख लो कितने सारे रोल्स हैं, एक अपने लिए, एक फैमिली के लिए, एक सोसाइटी के लिए और एक नेचर के लिए। इन चीज़ों के बारे में हमने सोचना है, समझना है और करना है। और कल को जिस इंडस्ट्री में जाना है उसके लिए भी हमने ऐसे ही काम करना है। और इसीलिए हमने बात की है हारमोनी एट वेरियस लेवल्स। और इसी प्रकार हम हारमोनी को, कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए आगे चलते रहेंगे। और थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग द लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे।